माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को 8 साल पूरे होने के अवसर पर नागपुर जिले में भाजपा जिला अध्यक्ष अरविंद गजभिये इनके नेतृत्व में 30 मई से 14 जून तक सर्व सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसमें जिले के सभी पदाधिकारी व 20 मंडल के पदाधिकारी भाग लेंगे और 15 दिन में पदाधिकारी जनसंपर्क कार्यक्रम में 75 घंटे का योगदान देंगे। यह जानकारी भाजपा द्वारा दी गई पत्रकार परिषद में दी गई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 8 साल पूरे कर लिए है और उनके नेतृत्व में समाज में गरीबों, शोषितों, वंचितों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण के लिए कई काम किए हैं। इसलिए गरीब किसान और पूरा देश आज उनके लोकप्रिय, निर्णायक, बलिदानी और तपस्वी नेतृत्व में विश्वास करते हुए प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनसंपर्क कर केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं पर चर्चा कर जागरूकता पैदा करने जा रहे हैं। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़े में 75 घंटे के जनसंपर्क अभियान में हर गांव में घर घर जाकर संपर्क स्थापित कर मनपा के कार्यकर्ता केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के प्रदर्शन और उनकी उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सेवा, सुशासन और गारो कल्याण पंढरवाड़ा के तहत विभिन्न रैलियां करेगी। जनसंपर्क अभियान में किसान चिपल महिला सम्मेलन, SC ST सम्मेलन सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रतिदिन किसी न किसी विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। किसानों से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भाजपा किसान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के हित में किए गए कार्यों पर चर्चा करेंगे। महिला मोर्चा का कार्यक्रम तैयार कर भजन महिला के पास जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के देश में महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए कार्यों की जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी भाजपा द्वारा ली गई पत्रकार परिषद में दी गई। आज का ये पत्र परिषद जो हुआ है, भारतीय जनता पार्टी नागपुर जिला ग्रामीण के अध्यक्ष माननीय अरविंद जी गजभिये जी, माजी अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजीव पोद्दार और कार्यालय मंत्री आनंदराव जी ठवरे, इतने सभी जो विभाग है पार्टी के सभी विभागीय अध्यक्ष आकर पत्र परिषद लिया गया है। माननीय हमारे आदरणीय नेते देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के 8 वर्ष के कार्यकाल में जो अनेक योजना गरीब कल्याण के लिए सेवा भावना से और लोगों के घर तक पहुंचाने का जो काम मोदी जी ने किया है, किसानों के हित में जो खेत में काम करने वाले मजदूर वर्ग है, जो आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिस्थिति के लोग हैं, सामान्य जन नागरिकों को ये सभी योजनाओं का लाभ पहुँचे। और 8 वर्ष में मोदी साहब ने जो काम किया है देश में, उनके जो मंत्रिमंडल के जो सहयोगी मंत्री जी ने काम किया है, हमारे नागपुर के आदरणीय सड़क निर्माण मंत्री नितिन गडकरी जी ने जो रास्ते का जाल बिछाया पूरा देश में, ये सभी कामों का विवरण 8 वर्ष में पूरा देश में जो किया है, विकास कामों को घर घर तक पहुँचा, जनमानस तक पहुँचाने के लिए आज इस पत्र परिषद का हमने आज यहाँ पर दोहरा है। 8 वर्षाचा कार्यकाळ तो झालेला आहे। त्या 8 वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेबांनी ज्या वेगवेगळ्या या समाजातील शेतकरी, शेतमजूर, गरीब, महिला, अनुसूचित जाती आघाडी, अनुसूचित जमाती या सर्व समाजाच्या उत्थानाकरता म्हणून ज्या वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून त्यांनी या 8 वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये जे कामं केली आहेत त्या कामाचा खऱ्या अर्थाने प्रसार व्हावा म्हणून भारतीय जनता पार्टी नागपूर जिल्ह्याच्या वतीने आम्ही या जिल्ह्यामध्ये जवळपास प्रत्येक जिल्हा परिषदमध्ये जवळपास म्हणजे आमची ज्या संघटनेच्या दृष्टीने ज्या आघाड्या तयार केलेल्या आहेत त्या आघाड्या म्हणजे महिला आघाडी, युवा मोर्चा, अनुसूचित जाती आघाडी, अनुसूचित जमाती आघाडी, अल्पसंख्याक आघाडी, किसान आघाडी आणि OBC आघाडी, या 7 आघाड्यांच्या माध्यमातून आम्ही प्रत्येक जिल्हा परिषद सर्कलमध्ये प्रत्येक आघाडीचा म्हणजे एका दिवशी समजा 6 तारीख असेल तर 6 तारखेला आमचा किसान आघाडीचा कार्य करतो। या जिल्ह्यामध्ये जे 58 जिल्हा परिषद सर्कल आहेत, या 58 जिल्हा परिषद सर्कल आणि या जिल्ह्यामध्ये जे 20 नगर परिषद नगरपंचायती आहेत म्हणजे 20 त्या म्हणजे 78 ठिकाणी आणि 2 आम्ही ॲडिशनल अरेंजमेंट केली आहे म्हणजे असे 80 म्हणजे एका दिवशी या जिल्ह्यातल्या 80 ठिकाणी 80 जिल्हा परिषद सर्कल आणि नगर परिषद पंचायतमध्ये किसान आघाडीचा एक कार्यक्रम आहे। 7 तारखेला
आमचा एक युवा मोर्चाचा कार्यक्रम आहे, त्या युवा मोर्चाची सुद्धा 80 ठिकाणी आमच्या बैठकी आयोजित केलेली आहे. 8 तारखेला महिला मोर्चातर्फे 80 ठिकाणी आमच्या बैठकी आयोजित केलेल्या आहे. 9 तारखेला OBC मोर्चातर्फे आम्ही 80 ठिकाणी बैठकी आयोजित केलेल्या आहे. बॉस ने मीटिंग बुलाई. क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो. बाहर बाहर उठो बैठो, उठो बैठो. जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com.